हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू योर चैनल स्टडी विद निधि। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर टू का खंड आ, या ये कह सकते हैं कि पेपर टू का पार्ट ए, जिसमें हमारा संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना दी हुई है। ये हमारा न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट टू है। इससे पहले हम यूनिट थर्ड के सारे 3 मार्कर्स डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए यूनिट टू के सारे 3 मार्कर्स। जो भी हमारा टॉपिक है यूनिट टू में, निर्वाचन आयोग, स्कैग है, यूपीएससी है, एमपीपीएससी है, नीति आयोग और राजनीति, धर्म, जातीय संबंधी जो भी टॉपिक्स हैं उन सबसे रिलेटेड 3 मार्कर्स। चलिए हम देखते हैं हमारा पहला 3 मार्कर, भारतीय निर्वाचन आयोग। क्या है हमारा पहला? भारतीय निर्वाचन आयोग। अब जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, इसका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक वर्णन है, भाग 15 में। इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और साथ ही 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त सदस्य होते हैं। कार्य देख लें अगर तो भारतीय जो निर्वाचन आयोग है, उसका कार्य है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद व राज्य विधायकों का निर्वाचन कराना। अगला देखते हैं हम कैग। आप लोग चाहें तो अगर कैग के बारे में संपूर्ण जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसका वीडियो मैं पहले ही डाल चुकी हूँ, तो आप वहाँ पर जाके अपने उस पर आपका 5 मार्कर्स, 11 मार्कर्स भी कवर हो जाएगा कैग के वीडियो से, और उसमें प्रीवियस ईयर्स के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक कैग के, वो भी सभी कवर किए गए हैं। हाँ, तो बात करते हैं कैग। अगर 3 मार्कर में आएगा तब हम क्या करेंगे इसमें? तो हम इसमें सिंपल सी चीज़ लिखेंगे कि कौन से भाग में वर्णन है, तो लिखेंगे भाग 5 में इसका वर्णन है कैग का, है ना। और जो कैग की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक कैग का वर्णन है, या कैग के विषय में से रिलेटेड अनुच्छेद हैं ये। कैग जो है उसे लोक वित्त का संरक्षण सुनिश्चित करना है, इसका कार्य है। बात करते हैं संघ लोक सेवा आयोग, UPPSC का। अभी रिसेंटली इसका एग्ज़ाम भी हुआ है। तो संघ लोक सेवा आयोग जो है उसका वर्णन हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक है। सेम यही जो अनुच्छेद है और भाग 14 है, इसी में हमारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है, इसका भी वर्णन है। संघ लोक सेवा आयोग के कार्य की बात की जाए तो ये अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं आदि की परीक्षाएँ, भर्ती करवाने का कार्य करता है। अगर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात करें तो वो राज्य स्तर पर करवाता है यही सभी एग्ज़ाम्स को, जैसे वर्ग 2 वर्ग 3 के एग्ज़ाम, मेडिकल भर्तियां, प्राध्यापक आदि की भर्तियां। तो इन सब भर्तियां कौन करवाता है, कौन ये सब भर्तियों के कार्य करता है? तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है इन भर्तियों के लिए कार्य करता है। आगे बात करते हैं हम नीति आयोग की, है ना। नीति आयोग स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई इसकी। ये कैसा है? गैर संवैधानिक व गैर वैधानिक निकाय है। इसका कार्य देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए थिंक टैंक, मतलब सलाहकार की भूमिका निभाना है। तो ये इस तरह से कार्य करता है। आगे राजनीति क्या है? राजधन नीति इससे बना है। तो राज्य द्वारा अपनाई गई जो नीति है वो होती है राजनीति। इसका उद्देश्य देश का सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है, नीति निर्माण करना है। तो ये है हमारी राजनीति, अगर आएगा तो इस तरह से 3 मार्कर में हम इसको लिखेंगे। अगला है हमारा जाति। परिवार या परिवारों का एक ऐसा समूह जिसके पूर्वज एक होते हैं तथा जो वंशानुगत की प्रक्रिया पर आधारित होती है, जैसे यादव कहते हैं, यादव एक जाति है, राजपूत जाति के हैं, ब्राह्मण जाति के, तो इस तरह से। अगला है धर्म। धर्म जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। तो धर्म जो है उसमें मेन रूप से क्या सम्मिलित है? सत्य, करुणा, दया, अहिंसा, ये सभी चीज़ें। महाभारत में ऐसा कहा भी गया है, धारयति इति धर्मः, जो धारण करने योग्य हो या जिसको धारण किया जा सके। अगला है वर्ग। मनुष्यों का वह समूह जो एक समान जीवन अवसरों तथा एक जैसी जीवन शैली धारण करता है। ये 3 प्रकार के हैं वर्ग, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग जैसे अलाइट क्लासेस बोलते हैं हम, मिडिल क्लास फैमिली होती है,
है ना। तो ये है हमारे तीन प्रकार के श्रेणियों में बांटा गया है, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग। निर्जातीयता या सजातीयता भी इसका एक अन्य नाम है। क्षेत्र विशेष में रहने वाले भावात्मक रूपी समूह को हम क्या कहते हैं, निर्जातीयता कहते हैं। इसका आधार जो है नस्लीय, सांस्कृतिक है ना आदि है, पहचान है, भाषा है, भावात्मक है। अब यहीं से एक और वर्ड आता है हमारा क्या, भाषा। भाषा क्या है, विचार प्रकट करने का एक माध्यम है। तो इसको अगर थ्री मार्कर में तो कैसे लिखेंगे, विचार विनिमय का माध्यम जिसमें एक व्यक्ति बोलकर लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करता है तथा दूसरा व्यक्ति उसके विचारों को सुनकर या पढ़कर समझता है। उदाहरण के लिए हम हिंदी भाषा ले लें अपनी। अगला है हमारा लिंग, सामाजिक सांस्कृतिक शब्द है। लिंग क्या है, एक सामाजिक सांस्कृतिक शब्द है। लिंग क्या है, एक संज्ञा रूपी शब्द, जाति जो है इससे उसका पता चलता है। जाति कैसा, पुरुष जाति का है वो या महिला जाति का है, स्त्री जाति की है। पुरुष व महिला के व्यवहारों और कार्यों को सामाजिक रूप से परिभाषित करता है लिंग। उदाहरण महिला या पुरुष। राजनीतिक दल, एक स्वैच्छिक लोगों का समूह जो एक समान विचारधारा रखता है व संविधान के अधीन सत्ता प्राप्ति की इच्छा रखता है, वो होता है राजनीतिक दल। चुनाव आ रहा है, राजनीतिक दल की चर्चा फिर से शुरू हो गई है कि कौन किस राजनीतिक दल का है। अगला है इनके प्रकार कैसे होते हैं, तो ये तीन प्रकार के, राष्ट्रीय दल, राज्य स्तरीय दल और तदर्थ दल। वर्तमान में जो राष्ट्रीय दल है उनकी संख्या 8 है। अगला है राजनीतिक दल के कार्य क्या हैं, राजनीतिक दल के कार्य क्या हैं। अभी इतनी सारी पार्टियां हैं, इतनी सारी राजनीतिक दल हैं, तो क्या करते हैं, देश का संचालन करते हैं, जनमत का निर्माण करते हैं और सरकार व जनता के मध्य एक ब्रिज का काम करते हैं, दोनों के बीच, गवर्नमेंट और जनता के बीच। अगला है हमारा मतदान व्यवहार। क्या है मतदान व्यवहार, विभिन्न कारकों से प्रभावित होकर मतदाता द्वारा किया गया राजनीतिक या लोकतांत्रिक व्यवहार ही मतदाता व्यवहार, मतदान व्यवहार कहलाता है। कारक क्या है इसके, धर्म, जाति, बाहुबल, विचारधारा, नीतियाँ, इन सभी के आधार पर मतदान जो व्यवहार है वो डिसाइड होता है। अगला है हमारा सिविल सोसाइटी, वे स्वैच्छिक संगठन जो समाज कल्याण की भावना के साथ जन सेवा का कार्य करते हैं, जैसे एनजीओ है ना, सहकारी संगठन, पर्यावरणीय समूह। अगला है हमारा जन आंदोलन। क्या है जन आंदोलन, जन आंदोलन क्या है, जन मतलब जनता, जनता के द्वारा चलाए जाने वाले सामूहिक संघर्ष उनका, और जो एक उद्देश्य प्राप्ति से रिलेटेड होते हैं। कोई भी जन आंदोलन है वो किसी ना किसी उद्देश्य के लिए ही होता है। उदाहरण जैसे चिपको आंदोलन हुआ था है ना, तो ये पेड़ को बचाने के लिए हुआ था। किसके द्वारा, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा ये चलाया गया। नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा नदी के लिए, तो मेधा पाटकर जी द्वारा चलाया गया था। इस तरह से कई सारे आंदोलन हुए हैं, तो क्या होता है, एक विशेष उद्देश्य की प्राप्ति से संबंधित होते हैं ये। अगला देखते हैं हम राष्ट्रीय अखंडता। राष्ट्रीय अखंडता, अब देखिए अखंडता मतलब जिसका खंड ना हो, तो देश को जोड़े रखने वाली अवधारणा, मतलब कोई क्षेत्र अलग ना हो पाए किसी एक क्षेत्र से। राष्ट्रीय अखंडता एक क्या है, भौगोलिक शब्द है ना। जैसे अगर बात करें हम पूर्वोत्तर बुंदेलखंड की मांग उठ रही है ना, तो इन सबको जोड़ने के लिए क्या कहते हैं, देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए है ना, जोड़े रखने की एक अवधारणा है, तो वो क्या है, राष्ट्रीय अखंडता है। अगला है हमारा सुरक्षा के मुद्दे। सुरक्षा के मुद्दे में बात करें तो दो तरह से, आंतरिक सुरक्षा है और बाह्य सुरक्षा। तो सुरक्षा से जुड़े जो मुद्दे हैं वो क्या है, जैसे नक्सलवाद फैल रहा है, क्षेत्रवाद फैल रहा है, अलगाववाद, ये आंतरिक हैं, आंतरिक रूप से है ना। बाह्य रूप से क्या हो, बाह्य रूप से जो सुरक्षा के मुद्दे वो क्या है, आतंकवाद को अटैक कर दे इंडिया पे है ना, नार्को आतंकवाद है, सीमा आवाज जो मतलब भारत के बाहर से हो रहे हों है ना, नार्को आतंकवाद जैसे नशीले दवाओं वगैरह के माध्यम से जो आतंकवाद फैलाया जा रहा है, तो कैसे बाहर से फैल रहा है। अगला है हमारा जन आंदोलन के प्रकार। अब जन आंदोलन के ये चार मुख्य प्रकार लिखे हैं, क्रांतिकारी आंदोलन, सुधारवादी आंदोलन, रूपांतरणकारी आंदोलन और विरोधपूर्ण आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन जो देश के खिलाफ हो जाए है ना, मतलब ऐसा ये क्रांतिकारी आंदोलन वो होते हैं जो सिस्टम को बदलने की मांग करते हैं। सुधारवादी आंदोलन में जैसे अन्ना हजारे
ना, सुधारवादी आंदोलन में बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे हम, अन्ना हजारे की, है ना। अन्ना हजारे, वो अन्ना हजारे क्या, वो सुधार चाहते थे सिस्टम में, रूपांतरणकारी आंदोलन, जो चेंज करना चाहता हो। मतलब मान लीजिए कोई ए लिस्ट है तो ए लिस्ट की जगह वो बी लिस्ट लेके आना चाहता है, तो ऐसे वो चेंज करना चाहता है कि ए, मतलब ये ए लिस्ट ए है, इसमें मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है, इसकी जगह मुझे ये बी लिस्ट की जो चीज़ें हैं ये चाहिए, तो वो क्या है, रूपांतरणकारी आंदोलन। अगला, विरोधपूर्ण आंदोलन, ऐसा जो सिस्टम है ना उसका ही विरोध कर रहा है, उसे कुछ सिस्टम की जो नीति है उसका ही विरोध कर रहा है, उसे नई नीति चाहिए, वो नीति उसे पसंद नहीं है, तो ऐसा है हमारा विरोधपूर्ण आंदोलन। अगला है हमारे समाज के क्षेत्र, तीन प्रमुख क्षेत्र समाज के, सरकार क्षेत्र, बाजार और नागरिक समाज। सरकार क्षेत्र जो है हमारा वो राजनीति समाज से संबंधित है, गवर्नमेंट है हमारी, जैसे बाजार क्षेत्र जो है वो आर्थिक आर्थिक क्षेत्र से रिलेटेड है, नागरिक समाज क्षेत्र जो है वो प्राकृतिक समाज का उदाहरण है। तो इस तरह से समाज के ये तीन क्षेत्र, सरकार, बाजार और नागरिक समाज। बात करते हैं हम अगला, वर्ग के निर्धारण के आधार, मुख्य कई प्रकार से होते हैं, मुख्य रूप से हमने जो लिखे हैं वो देखिए, निवास स्थान के आधार पर, धर्म के आधार पर और शिक्षा के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर। जैसे निवास स्थान के आधार पर वर्ग का निर्धारण कैसे होता है, कोई व्यक्ति अगर भोपाल में रहता है तो कहते हैं वो भोपाली हो गया, कोई लखनऊ में रहता है तो उसे बोलते हैं लखनवी हो गया वो। ऐसे ही धर्म के आधार पर भी वर्ग का निर्धारण हो जाता है, शिक्षा के आधार पर भी, जो ज़्यादा शिक्षित होता है या जो अशिक्षित होता है तो हम उसको अलग कैटेगरी में रखते हैं, बोलते हैं ये बुद्धिजीवी वर्ग है या बुद्धिजीवी समुदाय के लोग हैं ये, है ना। और व्यवसाय के आधार पर भी हम इसी तरह उनका वर्ग का निर्धारण करते हैं। अलगाववाद, अलगाववाद क्या है, एक प्रकार की विचारधारा है, कैसी, पृथकवादी विचारधारा है। इसमें क्या होता है, किसी बड़े समूह द्वारा जो नस्लीय, सांस्कृतिक, जाति, धर्म आदि के द्वारा देश के किसी एक हिस्से को अलग करना चाहता है, तो वो ये विचारधारा कैसी है, अलगाववादी, अलग करने वाली विचारधारा। तो इस तरह से हमारा जो यूनिट 2 है, पेपर 2 की पार्ट ए की, वो कंप्लीट हो गए। तो आपका पेपर 2 का पार्ट ए जो है, इसके मैंने थर्ड यूनिट जो है वो उसके पूरे 3 मार्कर्स कंप्लीट करा दिए, और यूनिट 2 जो है आज इसके भी पूरे 3 मार्कर्स कंप्लीट करा दिए। ये मुख्य मुख्य 3 मार्कर हैं जो इसके हेडिंग से ही बन रहे हैं। ऐसे ही एक नए वीडियोस के साथ हम जल्द ही यूनिट 1 के 3 मार्कर्स को कंप्लीट करेंगे, और यूनिट 3 की जो 5 मार्कर्स और 11 मार्कर्स हैं वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। जो भी स्टूडेंट्स नोट्स लेना चाहें वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। थैंक यू फ्रेंड्स।